जंग में रूस पर पलटवार करने के लिए अब तक यूक्रेन को पूरी दुनिया से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। करीब $2.5 बिलियन मतलब भारतीय रुपयों में 18,000 करोड़ के हथियार तो अकेले अमेरिका की तरफ से ही भेजे गए हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इन हथियारों का खर्च आखिर कौन उठा रहा है, मतलब ये कि यूक्रेन में चल रही जंग से आखिर सबसे बड़ा फायदा किसका है, कौन है जो जंग में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े हथियार बेच रहा है। जंग में इस्तेमाल हो रही मिसाइलें, बम, रॉकेट, फाइटर जेट आखिर किसके खर्च पर यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं। पूरी दुनिया को ये पता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबार हथियारों की बिक्री है, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि अमेरिका की सरकार खुद कोई हथियार नहीं बनाती। वहाँ हथियारों को बनाने का सारा काम प्राइवेट कंपनियों के हाथों में। ऐसी प्राइवेट कंपनियां जिन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये कंपनियां केवल अपने मुनाफे के लिए काम करती हैं, जिन्हें दुनिया के किसी भी मुल्क में हो रही जंग में किसी एक के साथ न तो हमदर्दी होती है न ही कोई दुश्मनी होती है। लॉकहीड और बोइंग जैसी कंपनियां रक्षा से जुड़े हथियार और उपकरण बनाने के लिए पूरी दुनिया में खास पहचान रखती हैं, लेकिन आमतौर पर जब मिलिट्री एड के तहत अमेरिका या कोई मुल्क हथियार पहुंचाता है तो भी ये कंपनियां अपने हथियार मुफ्त में नहीं देती, बल्कि एक खास तरह का पेमेंट प्लान तैयार किया जाता है। मतलब हथियारों की कीमत तो कंपनियां लेती हैं, लेकिन पैसे देने के लिए कुछ आसान रास्ता निकाल लिया जाता है। दावा यह है कि जिस भी देश से कोई हथियार सहायता के तौर पर भेजे जाते हैं, वहां हथियार बनाने वाली कंपनियां अपने माल का पूरा पैसा लेती हैं। इस बात का किसी हथियार की कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मदद के तौर पर किसी देश को दिए जा रहे हैं या किसी और तरह से दिए जा रहे हैं, लेकिन ये कीमत बाद में उसी देश को देनी पड़ती है जो उन्हें इस्तेमाल करता है। मतलब ये कि मिलिट्री एड या सैनिक सहायता शब्द का मतलब केवल इतना है कि जंग से लड़ने के लिए बेहद कम वक्त में हथियारों की डिलीवरी हो जाए। माना जा रहा है कि इन हथियारों के लिए यूक्रेन को करीब 1% ब्याज के साथ ये रकम 25 से 30 साल के वक्त में देनी होगी। मतलब ये कि जो भी हथियार अभी यूक्रेन को मदद के तौर पर रूस का मुकाबला करने के लिए भेजे जा रहे हैं, उनके लिए यूक्रेन को बहुत भारी कीमत देनी पड़ सकती है, और कीमत भी ऐसी जो उसकी अर्थव्यवस्था को बेहाल कर दे। इसीलिए सवाल यह उठाया जा रहा है कि जिन हथियारों के बूते यूक्रेन अभी रूस को जवाब देने में लगा है, वो हथियार उसकी ही अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकते हैं। पहले से बर्बादी के रास्ते पर बढ़ रहे यूक्रेन के लिए इन हथियारों की कीमत देना भारी पड़ सकता है, लेकिन फायदा तो इस खेल में उसी कंपनी का है जिसने ये हथियार बनाए हों। ऐसी कंपनियों की सबसे बड़ी संख्या अमेरिका में है। इतने बड़े पैमाने पर हथियारों की बिक्री इन कंपनियों ने बीते कुछ दशकों में पहले कभी नहीं की थी, जितने बड़े पैमाने पर अब की गई। लेकिन कमाई के इस मॉडल को अमेरिका ने बड़ी खूबसूरती से छुपा लिया। हालांकि अमेरिका के अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी बड़े पैमाने पर हथियार यूक्रेन भेजे हैं। दूसरी तरफ नेटो ने भी रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन तक ड्रोन और मिसाइलें भेजी हैं।